पिछले वीडियो में हमने मायोसिन स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो कि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर का। आज हम जो हैं वो एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। पहले ज़रा सा मायोसिन को रिवाइज कीजिए कि हेड एंड टेल्स पर मुश्तमिल इस तरह का है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो कलेक्ट होने के बाद बैंड बनाता है, डार्क बैंड बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम आप जाते हैं एक्टिन फिलामेंट की तरफ। तो एक्टिन फिलामेंट में आप देख रहे हैं कि ये ग्लोब्यूलर होते हैं, जो ग्लोब्यूल्स एक एक बॉल कहला रही है, ये जी एक्टिन कहलाते हैं, यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है। फिर ये दो मिल गए तो डाई एक्टिन, फिर तीन मिल गए तो ट्राई एक्टिन, और इस तरह एक बीड, एक तस्बीह की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक चेन बनी, फिर ये दूसरी चेन, ये दोनों आपस में जंजीर की तरह ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। ये इसका एंड एरिया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये है एफ एक्टिन, यानी फिलामेंटस एक्टिन। ये फिलामेंटस फिलामेंट की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं। ये जी एक्टिन्स यानी ग्लोब्यूलर, तस्बीह की तरह पहले ये आपस में जुड़ जाएंगे और उसके बाद ये तस्बीह की तरह एक दूसरे में क्वाइल हो जाएंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मज़ीद इसकी कहानी ज़रा देखते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है। तो आप देखिए, आप एक और तस्वीर में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक्टिन मोनोमर्स जो हैं वो जी एक्टिन्स, और फिर फिलामेंटस जो शुरू हो जाएगा एफ एक्टिन। ये ग्लोब्स की शक्ल के ये आपस में अरेंज हुए, ब्लू कलर के एक बनाई चेन उसने, लाइट ब्लू कलर ने दूसरी बनाई, ये मैंने कलर्स में भी दिखा दिया है, ठीक है। तो ये फिलामेंट वन कहलाया, ये फिलामेंट टू कहलाया, और ये जब डबल हेलिकल शक्ल में आया तो ये एफ एक्टिन कहला रहा है, जो ग्लोब्यूल्स की शक्ल में ग्लोबल एक्टिन जी एक्टिन, और जो फाइबरस की शक्ल में फाइबर की शक्ल में दैट इज एफ एक्टिन फिलामेंट की शक्ल में। अब एक और नई कहानी ये है कि इनके ये जो आप देख रहे हैं, इनके दरमियान में ये जो मैं पोर्शन पर हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ से इनके दरमियान से एक और ख़ास किस्म का प्रोटीन गुजरता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, ये फिलामेंटस प्रोटीन इनके दरमियान में से गुजर रहा है, इसको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के दरमियान में से, जो दो फिलामेंट हैं इनके दरमियान में से, दरमियान में एक और प्रोटीन मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। इन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कहीं कहीं पर एक एक बंच एक और ख़ास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिनको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है एक्टिन का, दो फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के बीच में एक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर थोड़े थोड़ी जगह पर ब्लॉक मौजूद हैं प्रोटीन्स के, और दैट आर कॉल्ड ट्रोपोनिन, ठीक है। आइए मज़ीद देखें। ये तो हमने अभी आपको बताया, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर एंड एक्टिन साइड और एटीपी बाइंडिंग साइड और एक्टिन साइड। हेड में दो पोर्शन हैं, एक फिलामेंट का एक हेड है, छोटी सी नेक है और बाकी टेल है। ये दो फिलामेंट्स आपस में क्वाइल होकर क्रॉस आर्म करके एक फिलामेंट बना लेते हैं, और ये इनका कलेक्शन जो है वो डार्क बैंड में मायोसिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, एक ट्रोपोनिन है और एक ट्रोपोमायोसिन है, ये किस लिए काम आ रहे हैं? देखिए, ट्रोपोमायोसिन जो है इसका काम ये है कि ये टुगेदर एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है, आपस में मिलकर एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है एट, ताकि मसल जो है ना वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाए, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल स्टॉप्स, ठीक है। एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा ये वाला प्रोटीन जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी, समझ में आ रहा है। नॉर्मली व्हेन मसल्स आर नॉट इन कॉन्ट्रैक्शन, द ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ब्लॉक द एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन,
सो द हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट इज नॉट एबल टू बाइंड विद एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन एट रेस्टिंग पोजिशन। तो इस तरह इन बीड्स के दरमियान में मौजूद ये खास प्रोटीन्स दो किस्म के, एक ट्रोपोमायसिन और एक ट्रोपोनिन, और इनका काम क्या है कि ये एक्टिव साइट्स को मायोसिन के अटैच होने से, एक्टिव साइट एक्टिन के एक्टिव साइट से, उसके मुतहरिक साइट से, एक्टिन के मुतहरिक साइट से अटैच होने से, जुड़ने से ही रोकने के लिए ये दो प्रोटीन अहम किरदार अदा करते हैं जब बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, ठीक है। और इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। ये एक नई कहानी थी जो कि एक्टिन परफॉर्म कर रहा है, और उसके अंदर भी ख़ास तौर पर ये दो चीते हैं जो काम कर रहे हैं और रेस्टिंग पोजीशन में ब्लॉक कर देते हैं उस मायोसिन फिलामेंट को, इससे अटैच होने से, मायोसिन फिलामेंट को इनसे एक्टिन से अटैच होने से रोक देते हैं। और क्या कौन रोक रहा है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक फिलामेंटस प्रोटीन है और उसके ऊपर एक बंच जगह जगह पर मौजूद है जो कि ट्रोपोनिन कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मजीद मालूमात हासिल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की, उस लात की सिकुड़ने के पूरे तरीके को समझेंगे। यहाँ तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।